गया नू हुण चंगा नहीं हो रहा, पढ़ाई च मन नहीं लग रहा। अरे लगेगा कहां से, तो किसने अपनी आंखों में YouTube को देख लिया है, आंखों में Facebook को देख लिया है, आंखों में वो कह रहा कार्टून देख लिया है। आजकल के बच्चे सीधा मोबाइल खोलते हैं, सीधा पैदा बाद में होते हैं, पहले मोबाइल खोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो औरत कह रहा जिस दिन उसने इस बात को समझा, उसके माँ बाप ने कि उसके मुंह से बोल रही है दुष्ट आत्मा, कह रही कि इसने अपनी आंखों से ये देखा, और उसी समय उसके माँ बाप बेशरम शर्म के मारे सिर झुक गया उनका। और उसी समय मैंने जब उससे अंगीकार की प्रार्थना कराई कि मैंने कहा बहन तू अपनी आंखों पर हाथ रख और बोल के मैं आज से अपनी आंखों पर आज से यीशु का लहू लगाती हूँ, यीशु का लहू का ढक्कन लगाती हूँ। मैं आज से परमेश्वर अपनी आंखों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूँ, मैं अपने मेन गेट का कब पहरा दूंगा। और पवित्र आत्मा ने उसी दिन परमेश्वर ने उस लड़की को आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि एक दौर तो आपके लिए चंगाई का खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको मेरा मैसेज बेशक अच्छा ना लगे, आपको शर्म आ रही हो मैसेज सुनते हुए, लेकिन सुनकर जाना, आज के सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे बच्चे आशीषित होने वाले यीशु मसीह के नाम में। दाऊद जिस दिन, दाऊद ने जिस दिन एक औरत को नहाते हुए देखा अपनी आंखों से, उस दिन से बर्बादी उसके दिन घर में शुरू हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि दाऊद एक राजा था, लेकिन किस दिन से बर्बाद होना शुरू हो गया, जिस दिन उसने अपनी आंखों से कह रहे उसको देखा, एक नहाती औरत को देखा, उस दिन से वो बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूँ आज लोग यही कर रहे हैं, लोग आज कह रहे हैं आंखों पर कंट्रोल नहीं करते, बोलते हैं कौन सा छू रहे हैं इसको, लेकिन बाइबल बोलती है जो बुरी नजर से देख लेता है, जो कुदृष्टि डाल लेता है, कह रहे हैं कि उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो व्यभिचार कर चुका, पाप कर चुका, उसका नरक में जाना तय है। इसलिए यही मेन गेट से कह रहे आप आंखों से जाकर कह रहे एक तरफ लड़की को देखते हो, एक तरफ लड़के को देखते हो, एक तरफ आप करोड़ों रुपया देखते हो, आप बैंक को लूटने की सोचते हो, किसी की कार अच्छी लगती है उसको चोरी करना सोचते हैं बहुत सारे लोग। कह रहे आजकल जवान बच्चे नशा देखते हैं, नशा कह रहे नशा पीना सोचते हैं देखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कह रहे कि ऐसे आप जब स्वर्ग जाओगे उन आंखों से कैसे आप परमेश्वर को देखोगे। परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि उसे परमेश्वर नहीं शैतान देखने वाला है, लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको दर्शन देने वाला है। आज जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों का कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी आंखों पर आज ये मेन गेट की रखवाली करूंगा, मैं कह रहा हूं आज स्वर्ग दूत आपके घर की रखवाली करने वाले, आपके बच्चों की रखवाली करने वाले, मैं कह रहा हूं आज एंजल उतरेंगे स्वर्ग से, आज आपके बिजनेस को डबल करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिन्होंने इन बातों पर मन नहीं लगाया, आज मैं कह रहा हूं आज आपको देख रहे हैं लड़कियां एन ए मम्मी टॉप पाया मैं भी टॉप पावांगी, प्रॉफिट ने कोट पाया मुंडे मैं भी कोट पावांगा, और भाई साहब कोट पाया लेकिन मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कहता है अपनी आंखों पर कंट्रोल करो। निर्गमन की पुस्तक में लिखा कह रहा मेन गेट है ये, कह रहे निर्गमन की पुस्तक में कहा उसके 20 अध्याय में, उसके 16 में, उसके 18, 19, 20 में कहा, कह रहा तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी की गाड़ी का लालच न करना, तू किसी की स्त्री का लालच न करना, अगर तू करेगा ये मेन गेट है, अगर ये मेन गेट अगर तूने नहीं संभाला कह रहा शैतान अंदर जाएगा, उस दिन से बर्बाद होने लगते हैं वो लोग, लेकिन उनको पता नहीं होता उनके हार्ट, उनके लीवर, उनके अगले कमरे आपके मेन गेट के बाद शुरू होते हैं। आपका मेन कमरा ये है आंख, उसके बाद आपका कमरा मैं कह रहा हूँ आपके हार्ट है, आपका माइंड है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, बड़े सारे कमरे हैं, और शैतान उस कमरों में घुसा हुआ है और लोग नहीं जानते। लेकिन इसलिए आज लोगों को कह रहा कि पैदा पहले होते हैं, इंजेक्शन पहले लगवाते हैं शुगर के, मैं कह रहा डायबिटीज के, आज लोगों के किडनियां खराब हो गई हैं, आज लोगों को बवासीर हो गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि अगर आज कह रहा दादे परदादे से पुरखों से लालच करते आ रहे हो, इस आंख से कह रहा इसी आंख से जब आप कार देखते हो बोलते हो बड़ी सुंदर है, इसी से घुसती है और आप ज्यादा कमाने लगते हो, दो नंबर का भी आने दे, चल चल आने लाले दी जान, मस्जिद लेनी है इसमें ना कमाना है, मस्जिद लेनी है। मैं कह रहा हूँ जब आप कोठी देखते हो किसी की आप लालच करते हो, मैं कह रहा हूँ कि आप लालच ना करो, अगर आप कोठी आपको पसंद आ जाए आप हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर ऐसी कोठी तू मुझे देगा ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, अगर आपको पसंद आए कोई गाड़ी तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मुझे ये गाड़ी चाहिए परमेश्वर, लेकिन ईमानदारी के साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई देश पसंद आए तो आप कहो परमेश्वर मैं
अमेरिका जाना चाहता हूँ, पवित्रता मुझे एक देश पसंद है लेकिन ईमानदारी से जाना चाहता हूँ, दो नंबर के साथ नहीं जाना चाहता। याद रखना मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी आंखों में कर आज पवित्र आत्मा के वचन को बसा लिया है, अगर आप वचन पढ़ते हैं सुबह उठकर, मैं कह रहा हूँ जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आपका गेट आपकी रखवाली करता है। मैं कह रहा हूँ कि आप हैं, आप अपने गेट की रखवाली करें। जितने लोग रखवाली कर रहे हैं उनको खुदा के दर्शन होने वाले आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हम देखते हैं जेनेसिस गिनती की किताब, नंबर्स की किताब 19 उसका 15 पढ़ेंगे कोई जल्दी से। हाँ हाँ हम देखें 19 स्क्रीन पर दिखा लाली, स्क्रीन पर देखो गिनती की किताब 19 और हर एक खुला हुआ पात्र, जोर से पढ़ा, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरेगा, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन ना लगा हो वह अशुद्ध ठहरेगा। देखो क्या लिखा, कह रहा हर एक खुला हुआ पात्र, स्क्रीन पर देखो, जो हर एक खुला हुआ पात्र, हाँ मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगाना हो वो अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब क्या है? कह रहा अगर आपके घर में कोई दूध का पतीला है, अगर आप उस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे कौन पिएगा भाई साहब? बिल्ली पिएगी कि सांस पिएगी? नहीं नहीं, पंजाब में जो सांस पी जाती है पीछे से, मुझे लगता है बिल्ली पिएगी कि कौन पिएगा? आप जानते हो, कह रहा जानवर पिएगा, लेकिन ढकना जरूरी है कि नहीं? अरे दूध के पतीले पर ढक्कन लगाना जरूरी है कि नहीं? यहाँ बहुत सारी सांस मुझे घुर रही है बैठी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि सांस ना पिए लेकिन घर में जो भी होगा बहू पिएगी, कोई ना कोई तो पिएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुले है जो कान पाप के लिए, खुले है जो विचार काम के लिए, खुला है जो मन पाप के लिए, कह रहा है वो बेकार है, अशुद्ध हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्योंकि शैतान ने खुला देख लिया है, इसलिए कह रहा प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को। यहाँ पर एक औरत थी और वो अमेरिका से एक बार आई मेरे पास और वो मुझे बता रही थी, बोल रही थी पास्टर कह रहे मेरा दिमाग जो है कह रहे बड़े टाइम से पता नहीं मुझे क्या हो गया, कह रहे क्या हो गया, कह रहे मेरी लड़की जो है किसी लड़के के साथ भाग गई, कह रही मेरे दिमाग में नहीं आया वो लड़का मेरे घर में आता था लेकिन मैंने खुला छोड़ के रखा अपने लड़के को, अपनी लड़की को मैंने खुला छोड़ कर रखा, मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैंने खुला छोड़ कर रखा। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको आपको अगर आज आप कितनी बंदिश लगाओगे, आजकल बच्चे बहुत चलाक हैं, मैं कह रहा हूँ शैतान बहुत चलाक है, आपका मन बहुत चलाक है, आप कितना कितना अपने आप को कंट्रोल करोगे? आज बहुत सारे लोग अपने हाथों को जोड़ लेते हैं, अपने पैरों को जोड़ लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसे रुई डाल लेता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाप तो हो जाता है, मैं कह रहा हूँ पाप तो हो जाता है। इसलिए कह रहे कि पवित्र आत्मा कह रहे जिस पर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन होगा, कह रहे आज वो सुरक्षित होने वाला है घराना यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपको कह रहे कि आपका मन अगर पाप के लिए खुला है, अगर आज आपके विचार पाप के लिए खुले हैं, आपका आपका दिमाग खुला है, अगर आपके घर खुला है, मैं कह रहा हूँ कि आज आपको क्या करना है, आज आपको यीशु मसीह का लहू अपने बच्चों के ऊपर लगाना है, अपने दिमाग पर लगाना है। आज अपने हाथों को उठाओ और हाथ अपने कानों पर यीशु का लहू लगा दो, अपने बच्चों के कानों पर लगा दो, जो बुरी बात सुनते हैं, जो विचार गंदे आते हैं, अपने दिमाग पर यीशु का लहू लगाओ। मैं कह रहा हूँ आज रात से बैटरी जाने वाले, आज खुदा का ट्री बनने वाला है, आज खुदा का दर्शन आने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि आज आपकी प्रमोशन आने वाली है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको उठाने हाथ, आपके अंदर पावर है परमेश्वर की, आप हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से जो मेरा खुला है बच्चा, उसका दिमाग जो खुला है खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, मैं उसके पर यीशु का लहू लगा देती हूँ उसके दिमाग पर। आप अपने पति के दिमाग पर यीशु का लहू लगाना स्टार्ट करो, जो आपका पति आपको छोड़ने के लिए तैयार है, जो पति कह रहा है कि मैं दूसरी लुगाई ले आऊंगा, आप यीशु का लहू लगाओ उसके दिमाग पर। मैं कह रहा हूं कि वो एक में ही बसा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, एक में उसका मन लगा रहेगा। अगर आज आपकी आंखों में, आपके विचारों में, अगर आपके परिवार में कोई गड़बड़ी है, मैं कह रहा हूं नशा नहीं छोड़ रहा, आपका पति आपको कह रहा है परमेश्वर
कि खुला है जो उसका दिमाग उस पर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ, खुले हैं जो विचार मैं उस पर यीशु का लहू लगाती हूँ। बाइबल बोल रही है खुला है वो जो पात्र, खुला है जो बेटे बेटियां, खुले हैं जो मसीह भाई बहने। ढक्कन ना हो जिस बार यीशु मसीह का, कराए वो बेकार है, अशुद्ध है। लेकिन अगर आज आपने ढक्कन लगा दिया है, जो लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज मैं यीशु का लहू अपने सिर पर लगाता हूँ, अपनी देह प्राण आत्मा पर लगाता हूँ परमेश्वर, जो लोग ऐसा बोलते हैं परमेश्वर पूरा दिन उनको सुरक्षित रखने वाला है, उनके फितरत को सुरक्षित रखने वाला है, उनके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला है, उनके घर को सुरक्षित रखने वाला है, आज ये कहना है लिख लो इसको किताब में, अपनी में दिमाग में लिख लो कि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी का हर बार नुकसान हो जाता है। एक आदमी मेरे पास आया और बता रहा था, पापा जब भी मैं चढ़ जाता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और जब मैं कहीं और घूमने जाता हूँ मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मैंने कहा इसका मतलब तूने अपने दिमाग को खोल रखा है पाप के लिए, तू इसी समय अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाया कर और ढक्कन लगा कर आया कर। गाड़ी पर ढक्कन लगा कर आना। मैं कह रहा हूँ कि आज आप घर से निकले लेकिन अपनी किचन पर ढक्कन नहीं लगा कर आए। कई लोग निकले अपने बेडरूम पर ढक्कन लगा कर नहीं आए, अपनी गाड़ियों पर ढक्कन लगा कर नहीं आए। यहीं से बैठकर आज मैं ढक्कन लगाना सिखा रहा हूँ। हाथों को उठाओ और ढक्कन लगा दो। जिस बात का आपको डर है अपने बैंक बैलेंस पर ढक्कन लगाओ यीशु के लहू का, अपनी गाड़ियों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर, अपनी हड्डियों पर, अपनी नसों पर, अपने मांसपेशियों पर, अपनी टांगों पर, अपने हार्ट पर, अपने दिमाग पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाओ। मैं कह रहा हूँ सारे ऑपरेशन कैंसिल होंगे। आप चंगे होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपने यीशु के लहू का ढक्कन लगाया है। मैं कह रहा हूँ कि भूत नहीं, आज स्वर्ग दूत आपके अंदर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत दिन से जो लोग भूत देख रहे थे सपने में, आज भूत बाहर जाएगा। आज से एंजल आपके घर में आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लूत के साथ एंजल आए, एंजल उसके साथ रहे। वो एंजल उसके साथ ना होते अगर वो मन लगा कर रखता उन पर। उसकी औरत ने मन लगा कर रखा अपनी आंखों से, और जब वो निकल रहे थे उसने कहा अपनी फैमिली को लेकर और भाग ले यहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर सदोम को परमेश्वर खत्म करने वाला है। लेकिन जब उसकी पत्नी भाग रही थी और क्या कर रही थी, मतलब पति परिवार बच्चे भाग रहे थे, लेकिन एक शर्त थी परमेश्वर की, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उसी समय उसकी औरत पीछे मुड़कर नहीं देखती जा रही थी, अरे इतना सुंदर कोठी छोड़ के जा रहे, इतनी सुंदर कोठी छोड़ के जा रहे। और उसी समय जब उसने पीछे मुड़कर देखा नमक का खंभा बन गई वो औरत। और उसी समय उसकी पत्नी और उसकी बेटियां उसके और वो पति बचा और वो दौड़ गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। याद रखना जो मसीह लोग पाप को छोड़कर आ गए हैं चर्च में, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं कह रहा हूँ आपकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी तरक्की होने वाली है साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जिस बात को आपने छोड़ दिया है मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ कर रखना। जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है आप छोड़ दो उसको। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप ये फैसला लेंगे कि मैं आज से पाप का पीछा करना छोड़ दूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा के पीछे चलूंगा, मैं कह रहा हूँ आपकी बरकतें आपके कदम चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गवर्नमेंट जॉब तो आपके कदम चूमने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष तो मैं आज आपके बच्चों को दिलाकर जाऊंगा। एक दरवाजा तो आशीष का जरूर खुलेगा मेरे लोगों के लिए। आज आमीन बोलने वालों के लिए दरवाजा खुलेगा चर्च। मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वालों के लिए दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो कि रे दरवाजा खोल के ये बंद करके आइए। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। अगली बारी मैं ताला ला के आऊंगी। हालेलुया कैसे आए आप मुझे नहीं पता। अपने बच्चों के दिमाग पर, उनकी आंखों पर, अपने कानों पर अपने ढक्कन लगाना सीख जाओ। जब हम पढ़ते उत्पत्ति के 3:6 में देखते करे हवा ने क्या किया, हवा ने शैतान हवा के पास आया, देखो वो गिराना चाहता था। और स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से, यहाँ पढ़ेंगे अंत जब स्त्री जेनेसिस चैप्टर उसका 3:6 देखो जल्दी से। यहाँ अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बोला हालेलुया हालेलुया। देखो बाइबल क्या बोल रही है, यहाँ पर लिखा कह रहा जब स्त्री ने अपनी आंखों से देखा। आंखों से किससे देखा, अपनी आंखों से देखा ये फल अच्छा है, तब से वो पाप में गिर गई। तब से वो कह रहे वो झोपड़ी में, महल में से झोपड़ी में चली गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे स्त्रियां, आदमी लोग बड़े शरीफ होते हैं बेचारे, आदमी लोग बहुत शरीफ होते हैं बेचारे,
ये औरतें बाहर देख कर आती हैं, किसी की मकान देख कर आती हैं, दूसरे के घर में आदमी कभी नहीं जाता चाय पीने के लिए, लेकिन औरतें जाती हैं। एक औरत गई दूसरे के घर में चाय पीने के लिए और आके ऐसे जब अपने पति के सामने बाहर जाती हैं ऐसे, हाँ जी किदा किदा, जब पति के सामने आके बैठती ना बाहर से तो मुंह का थोपड़ा ऐसे कर देती है। पति को तो क्या बात है भगवान, मैं उनका घर देख के आई, कितना सोना कितना सोना, ओदा सोफा ओदा बेड ओदा टीवी कितना सोना कितना सोना, और तू मर जानिया कुछ नहीं करता, करे बैंक दारू पींदा रहता है। आप औरतें दूसरे के घर में जाती है, यहाँ पर बहकाए में आ गई औरत हुआ और दूसरे के घर में गई, अच्छा इतना सुंदर फल, और उसने तोड़ कर खा लिया। आज औरतें यही लालच करती हैं, आदमी को बोलती हैं मुझे नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं मेरी तनख्वाह, अरे मैं तो पुलिस वाला हूं, मैं तो टीचर हूं, अरे मैं तो पियन हूं, अरे मेरी तनख्वाह, अरे चुप तनख्वाह भाड़ में गई। औरत बोलती है भाड़ में गई, मुझे क्या लेना तेरी तनख्वाह से, मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो सोफा चाहिए, मुझे तो बेड चाहिए, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए। आदमी कहता अच्छा फिर क्या करूं, अकल भी औरत देती है, कहती रिश्वत ले जैसे उसका पति लेता है। और भाई साहब बेचारा रिश्वत ले रहा भाई साहब, और चल रही रिश्वत और फंस रहा है मोह माया के जाल में। आज मैं क्या कह रहा हूँ, आंख का दर्शन आपने किया है जिस चीज का, इसीलिए लोग अगर आज परमेश्वर का एक सच्चा भक्त बनना है तो एक परमेश्वर के सच्चे भक्त को करें कि अपनी आंखों का त्याग करना पड़ता है, उन अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजों का त्याग करना पड़ता है। कह रहे जो आपको संसार की चीजें आपको अपनी आंखों से बड़ी अच्छी लगती हैं, कह रहे उनको कह रहे उन आंखों से त्याग करना पड़ता है। आप बेशक देख लो, मैं आपको बताता हूँ संसार की चीजें मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कार देख ली और आंख बंद कर ली, परमेश्वर आज के बाद नहीं देखूंगा दूसरी गाड़ी जब तक तू ये वाली नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि शादी होगी एक औरत देख ली और दूसरी, समझ रहे हो कि नहीं? ये चल रहा है भाई साहब, पाकिस्तान चले जाओ, एक ब्याह दूसरा ब्याह तीसरा ब्याह चौथा ब्याह थारा भला हो जा, यूपी में एक अच्छा कानून बन गया, करे अब दूसरी लुगाई नहीं कर सकते, खुश हो गई औरतें। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आंख कह रहा है कि आपको कह रहा मेन गेट है जो आज आपको स्वर्ग के दर्शन कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये आंख आपकी मेन गेट है जो आपको बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाली है, आपके बच्चों को इस साल के अंदर सबसे बेस्ट बनाने वाली है। मेरा ये आंखें अगर आपने सुबह उठने के बाद बाइबल के कलाम में लगाई है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज जब आपने आंखों को लगाया है बाइबल के अंदर, मैं कह रहा हूँ एक वचन आज आपकी हर एक जरूरत को पूरा करके जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जितने SNDWL के नाम देख रहे उनके घर में वचन जब खुलेगा आंखों से देखेंगे, मैं कह रहा हूँ ये साल वो नई गाड़ी का होगा उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। एक बार मेरी पत्नी को बहका दिया किसी ने, क्या बताऊं थोड़ी सी हंसी भी आती है, परमेश्वर अभी मेरी पत्नी ना सुन रही हो, सुनो अभी क्या हुआ, मेरे पत्नी को किसी ने बताया जब पहली बेटी होगी, कह रहे सुबह उठते ही कह रहे ना ना बेटी कितना होगी तेनू, बेटी कितना होगी, बेटा होना चाहिए सी, और उसकी पता नहीं माँ ने बताया कि किसने बताया, बोलते दीवार पे ना फोटो लगाए ऐसी आजकल लोग लगाते हैं जिसपे मुंडा दिखे मुंडा, और सवेरे उठते ही ऐसे नहीं देखना, वहां देखना जहाँ फोटो होगी मुंडे की, ऐसे, और उसने ऐसे ही करके देखा, अगले साल फिर लड़की होगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कह रहे सामने फोटो रख लो, बहन का इलाज नहीं भाई साहब, ओ बस बस चार लड़कियां होगी अगली बार लड़का होगा है, और अगली बार लड़की होगी। मेरी वाइफ ने मुझे बात बताई, बोलती मेरी सहेली ने मुझे कहा था कैसे फोटो देखोगे ना लड़का होएगा, मैंने कहा क्या हो गया, कह रही लड़की, मैंने कहा ये पादरी झूठ बोलता है, मैंने कहा आज से तू वचन को देखा कर, उस दिन से उसने सुबह उठते ही वचन को देखना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं वसंत ऋतु में तुझे गर्भवती करूंगा और तुझे बेटा दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, आप अपने रिश्तेदार को देख रहे हैं, वो इंग्लैंड से मेरे लिए पैसे भेजेगा, वो मामा मेरे लिए पैसे भेजेगा, अरे उसकी ओर मत देखना मत देखना, आज परमेश्वर की ओर ताकना, मैं कह रहा हूं जो उसकी ओर ताक रहे हैं उनको निराश नहीं होना पड़ेगा, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज उनके लिए दरवाजा खुलेगा, आज स्वर्ग खुलेगा, आज अच्छी खुलेगी, आज बरकतें फिर आएंगी। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार हैं? याद रखना, जो लोग बाइबल बोल रही है, जो इंसान की तरफ देख रहे हैं वो शराबी है,
जो परमेश्वर की ओर ताक लगा रहा है, आंखें लगा रहा है, वो आशीषित होने वाला हजरत यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मत समझना, आप ये सोच कर जाना यहाँ पर प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रभु खड़ा हुआ आपसे बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद जो अगर पहली बार भी आया है, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं कह रहा हूँ हीलिंग होगी। एक दरवाजा तेरे लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए, हाथ मिलाओ उसके साथ और बोलो उसको एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, मेरे से हाथ मत मिलाओ, पड़ोसी से मिलाओ, ठीक है, दूर से मिलाना, वायरस चल रहा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी आपने मेरे लिए एक दरवाजा तो जरूर खोल दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं, आमीन, उनके लिए मैं दरवाजा खोलते देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते जिसको अगर शक है मेरी बात पर, अय्यूब को देखते, अय्यूब से एक गलती हुआ और अय्यूब क्या कह रहा है परमेश्वर को, हम 31 अध्याय देखेंगे, जो उसका 31 गलती से उसका 9 पढ़ेंगे हम और परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। हाँ हाँ। मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुवारी पर कैसे आंख लगाऊं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, कौन है ये, कौन है चर्चिए, ये परमेश्वर का भक्त जन है और वो कह रहा है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुवारी पर कैसे आंख लगाऊं। कह रहा है परमेश्वर मैं आज के बाद किसी कुवारी पर मन नहीं लगाऊंगा। कह रहा है इस बात के लिए पवित्र आत्मा देख रहा है यहाँ पर, अपनी आंखों पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर आज से मैं किसी गाड़ी पर मन नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखों का मन, मैं अपना मन किसी लालच की चीज पर नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर। और परमेश्वर तू तो बिना मांगे मुझे देने वाला है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूँ अय्यूब ने परमेश्वर के सामने अपनी आंखों से वाचा बांधी। अगर आज आप आंखों से वाचा बांध रहे हैं कि परमेश्वर से वाचा बांध रहे हैं, याद रखो मैं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं आंखों से एक दिन गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलता हुआ देखने वाले हो। मैं कह रहा हूँ कि चर्च अमीर बोलने वाले, वाचा बांधने वाले। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के लिए, कह रहा जिन्होंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, कह रहा जो चीज मांगेंगे, कह रहा कि ये अपने लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री का डोर खुलता देखेंगे, विदेशों का डोर खुलता देखेंगे, स्वर्ग के फाटकों को खुलता देखेंगे अपने लिए। कह रहा कि आप अपने लिए परमेश्वर के फाटक को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, जहाँ से स्वर्गदूत आते और जाते हैं, आशीष लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके चार गेट हैं, यही है चार गेट, लेकिन मेन गेट कौन सा है, चार गेट है। अय्यूब जानता था कि ये चार गेट, मन का गेट, विचारों का गेट, करा आंखों का गेट, मुंह का गेट, करा ये चार गेट हैं, मन का गेट, आंखों का गेट, विचारों का गेट, मुंह का गेट, करा लेकिन सबसे मेन गेट है। आपके घर में बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन एक मेन गेट है जहाँ से लोग बैल बजाकर अंदर आते हैं। कह रहा है वो मेन गेट आपकी आईज है। अगर आपने अपनी आईज का कंट्रोल किया, मैं कह रहा हूँ इस साल के अंदर आप सबसे ज्यादा रिच होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सबसे ज्यादा आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे भक्त का इंतजार कर रहा है, ऐसे भक्तों का इंतजार कर रहा है, यहाँ पर मूसा से पूछ रही थी हारून और मरियम पूछ रहे थे, अरे तुझे कैसे परमेश्वर दिखाई दे जाता है, उसकी बातें कैसे पता लग जाती हैं। बोलता है मैं अपने मेन गेट का ध्यान रखता हूँ। समझ रहे कि नहीं, आज लोग बोलते हैं वो लड़का जब नाच रहा था, वो नाच रहा था कि नहीं, मुझे मिला नहीं कहीं पे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला और दिखाया मुझे, मैंने कहा मैं मेन गेट का ध्यान रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने विचारों के गेट का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मुंह के गेट का ध्यान रखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज अपने मन के गेट का ध्यान रखता हूँ, अगर आप इन चार गेट का ध्यान रखें तो परमेश्वर कह रहे कि तुम झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुम आशीषित होने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। अगर आज आपने इस बात को सुना, पवित्र आत्मा आज आपके बच्चों को इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती है यिर्मयाह के 1:12 में बोलता है तुझे क्या दिखाई पड़ता है यिर्मयाह, बोलता है मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। चर्च इस वचन को ध्यान से सुनना और लिखना और देखना, करे वचन की टहनी दिखाई पड़ती है, करे बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। कितने लोगों को दिख रही है,
कहना क्या दिखाई पड़ती है? यौमन मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर कह रहा है यहाँ यिर्मयाह को बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग आज वाचा बांध रहे हैं वचन को सुनने के बाद, कह रहा उन लोगों से जाकर कह देना यिर्मयाह के बारे में, कह रहा यहाँ पर जाकर कह देना, बोल देना उनको, कह रहा जिन्होंने आज वाचा बांध कर जाएंगे यहाँ से, परमेश्वर कह रहा है कि उनको ठीक दिखाई पड़ेगा, ठीक उनको ठीक दिखाई पड़ेगा। आज से आप जहाँ देखोगे वही कुआं नजर आएगा, वही आशीषों का कुआं नजर आएगा। आज के बाद आपकी फैक्ट्री खुलती हुई नजर आएगी, आपकी दुकान खुलती हुई नजर आएगी, आपका बिजनेस चमकता हुआ नजर आएगा, आपके बच्चे जॉब पर जाते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप सेवकाई में नया दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहे यूसुफ को पवित्र आत्मा ने प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूसुफ के सामने एक लड़की पेश किया, कह रहा शैतान ने, और उसने कहा कह रहा इस लड़की को ले जा, और उसी समय उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया उस लड़की को, कह रहा मैं तुझे देख नहीं सकता, बोलती मैं अरे महल की महारानी हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रहा कितनी सुंदर हूँ। लेकिन उसने कहा मैं देश में मैनेजर बनने के लिए नहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आज आपका फैसला क्या है मसीह लोगों? अगर आज आप मसीह में आने के बाद भी झाड़ू लगाने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप मसीह में आने के बाद, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई छोटी जॉब चाहते हैं, लेकिन फैसला आपका है। अगर आज आपका फैसला है कि मैं उन चीजों को जो मुझे पाप में गिराती है मैं नहीं देखूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है, अपनी आंख पर कंट्रोल किया है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं आपके घर में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो आपकी पीढ़ियों में फेमस होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपका नाम कमाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आज पवित्र आत्मा ने दिया और कहा कि मैं आज ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन यह नीति वचन 20 के 12 में और 17 में बोलता है, कह रहा है कि उनके आंखों में अपने आप का महल, कह रहा है वो नहाते तो हैं, वो देखते तो हैं, चलते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों में फिर भी धोए नहीं गए हैं। आज उनकी आंखों का मैल परमेश्वर की नजर में धोया नहीं गया है। बहुत सारे लोग साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, नीति वचन में कह रहे आज बहुत सारे लोग देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में अपनी आंखों में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। हो सकता है आज कोई विश्वासी हो और ये कह रहा हो कि ना मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कभी इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो भी तुम्हारा मैल धोया नहीं गया है। आप साबुन लगा लो और लगाने के बाद हाथ को रगड़ कर देखना, टांग को रगड़ कर देखना, मैल उतरता कि नहीं? अरे उतरता कि नहीं? जितना मर्जी नहा लो मैल तो उतरता ही उतरता है। इसका मतलब कोई ना कोई पाप रोज आपको एंट्री करता अंदर, इसलिए रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना और अपने हाथों को उठाना जरूरी है। आज मैं कह रहा हूँ कि आज सब लोगों के लिए भविष्यवाणी होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज हीलिंग होगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, आज आश्चर्यकर्म को देखोगे आप अपनी आंख से यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हो कि नहीं? कह रहा इस बात के लिए आपको समझना है, लेकिन वहां 30 के 17 में भी लिखा, कह रहा है कि जो अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि से देखे, देखो क्या लिखा, जिस आंख से कोई अपने माता पिता पर आदर की दृष्टि, अनादर की दृष्टि करे, अपमान के साथ अपने माता पिता आज्ञा को, कह रहा उसको बुरी नजर से देखे, बुरा कहे, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। इसका मतलब जब आप अपने माँ बाप को तुझ जानते हो अपनी आंखों से बूढ़ी हो गई है, आप किसी गरीब को तुझ जानते हो अपनी आंखों से, जब आप किसी को बुरा समझते हो, आप सामने पादरियों की बुराई करते रहते हो, देखते रहते हो, तो क्या होगा, क्या होगा? कह रहा है कि आपकी आशीष को, यहाँ पर लिखा कौवे आंख को निकाल डालेंगे, आंख को नहीं निकाल डालेंगे, यहाँ पर है आपकी आशीष को, जिस आंख से आप आशीष देखते हो, कार देखते हो, घर देखते हो, बच्चे देखते हो, कह रहा उनको निकाल डालेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे कि वो लोग जिन्होंने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन का पीछा करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहे ऐसे भक्त जन का मुझे इंतजार है, जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी आंखों को, कह रहे कि पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को अपने परिवार को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कोई भी मेन गेट को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं आज पवित्र आत्मा अपनी आंख अपने कान अपने विचार अपने मन की आंखों को खुला नहीं छोड़ूंगा। आज जब आप उस पर ढक्कन लगा रहे हैं तो याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे इसी साल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट प्राइज लेकर आने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप इसी साल के अंदर बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने वाले हैं चर्च। आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ।
और अपने हाथों को दाओ। मैं कह रहा हूँ कि स्वर्ग से परमेश्वर देख रहे अपनी आंखों से। आज जितने लोगों ने फैसला ले लिया है उनके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बरकतें आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज आज से मैं अपनी आंखों पर कंट्रोल करूंगा, अपने मन पर, अपने विचारों पर, आज से मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगाऊंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर के स्वर दूत चर्च के बाहर निकलते ही आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको आशीष देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। याद रखना, ये परमेश्वर है। इसराइलियों को कोई नहीं मार सकता था, इसलिए शैतान ने क्या बताया, इसलिए शैतान ने बिलाम के द्वारा कहा, कह रहा कि इसराइलियों की आंखों के सामने अगर तू सबसे सुंदर लड़की ले जाए तो कह रहा ये पाप में गिर जाएंगे और परमेश्वर इनको कोई आशीष नहीं देगा। आपको बता रहा हूं कि आपकी आंखों के सामने ऐसी गाड़ी आ जाती है, ऐसा घर आ जाता है, ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं और आप गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है करण की आंख के सामने ये चीज लेकर आऊंगा। यहाँ पर करा हाजिरा उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, उसका जब पानी खत्म हो गया उसके बच्चे का, जब पानी नहीं मिला, संसार की चीजें जब खत्म हो जाती है, करे के वहां पर रोने लगते हैं लोग, यहाँ हाजिरा रो रही है और कह रही है परमेश्वर करा मेरा बच्चा मर रहा है, लेकिन करी अब तू दया कर, मेरे बेटे पर दया कर, मेरे बच्चे पर दया कर, इसे पानी पिला दे। लेकिन यार रेगिस्तान के जंगल में, ये बेशर्मा के जंगल में एक भी पानी का गड़ा नहीं दिखाई देता, कुआं नहीं दिखाई देता, मैं कहां जाऊंगी। हो सकता है कि आज आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके सामने कोई आशीष नजर ना रही हो। आप बड़े साल से चर्चा रहे हो, बड़े साल से प्रार्थना कर रहे हो, बड़े साल से विनती कर रहे हो, लेकिन हाजिरा ने फैसला लिया उस रात, परमेश्वर ने उसे बताया, बोलता है पश्चाताप कर और प्रार्थना कर, तू नौकरानी थी, मैंने तुझे रानी बनाया, मैं तुझे अब्राहम के महल में ले गया, लेकिन तूने इन आंखों से पाप किया, तूने इन आंखों से तुझ जाना सारा को। हो सकता है आज आप किसी व्यक्ति को तुझ जान रहे हो, उसने अपनी स्वतन को तुझ जान लिया कि तुझे औलाद नहीं मुझे होगी। आज लोग बहुत सारे बोलते हैं तेरा लड़का अमेरिका नहीं गया, मेरा चला गया, अरे तुझे आशीष नहीं मिला, मुझे मिल गया। परमेश्वर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। यहाँ पर हाजिरा उस समय रोई और प्रार्थना किया और उसने कहा, परमेश्वर तू मेरे बच्चे पर दया कर, मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ। और परमेश्वर ने कहा, हाजिरा देख, कह रहा कि तेरे दाहिनी ओर देख, तेरे वहां पर कुआं है और जा पानी पी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो चिल्लाई रोई और परमेश्वर ने उसके लिए रेगिस्तान में क्या, उस कब्रिस्तान में क्या, मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी भी स्थान में होगी, बेशर्मा के जंगल में होगी, लेकिन उसने उस समय अपने बेशर्म को, अपने चेहरे को उतार दिया और प्रार्थना करना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने उसको कुआं दिखा दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप कुआं ढूंढ रहे हैं, बाइबल बोल रही है कि लोग कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज कुआं प्रार्थना करने वालों के पास खुद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई का कुआं आएगा, आज बरकत का कुआं आएगा, आज आशीषों का कुआं आएगा। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो, पश्चाताप करना स्टार्ट करो, आज आशीषों का कुआं आएगा। आज मैं कह रहा हूं इंग्लैंड अमेरिका मेरा परमेश्वर यही बना देगा आपके लिए, एक कुआं आपके पड़ोस में खोद कर जाएंगे स्वर्गदूत आज रात। जो आपको नहीं मिला, जो आज तक नहीं मिला, यीशु ने कहा डोर मैं हूँ, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूँ, जितने मेरा दरवाजा खटखटाएंगे, प्रार्थना में खटखटाएंगे, सुबह उठकर बाइबल में खटखटाएंगे, आज के बाद उनके दरवाजे में खोल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, उनके बंद पड़े कान खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, जिनको अच्छा लगा, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आपका ताड़ी बजाना, दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी के लिए बंद पड़ा दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में किसी का दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे लाइव देख रहा है और आपके लिए मेरे परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर आज तेरे मैंने कलाम को सुना, पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने मन की आंखों पर, अपने विचारों पर, अपने मुंह पर, अपने दिमाग पर, अपनी आंख पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ, अपनी गाड़ियों पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, परिवार पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। अगर आज आपने लगा दिया, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की इस हफ्ते में आंख देखने पाए अपनी आशीषों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे लोग
कह रहा 21 दिन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए मकान का दरवाजा, सरकारी नौकरी का दरवाजा, मैं कह रहा हूँ चंगाई का दरवाजा खुलता हुआ देखेंगे अपनी रिपोर्ट में। आप विश्वास कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कोई लाइव में मुझे रेनू देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे गर्भ में एक दरवाजा खुल रहा है और तुझे बेटा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर खोल रहा उस दरवाजे को। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरा मन करता है आपके लिए मैं प्रोफेसी करूँ, लेकिन कई बार आपके विचार आपको कमजोर कर देते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं एक एक जन को आशीष दूं। आज कितने लोग चाहते हैं कि आशीष लूं? सिर पे हाथ रखो। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बेटा देगा। आत्मा में होकर कह रहा हूं, परमेश्वर आपको बेटा देगा। वो बेटा देगा, आपकी बहू को बेटा देगा, आपके परिवार में आशीष देना स्टार्ट करेगा। मैं देख रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं परमेश्वर ऐसा करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? अपनी आंखें खोलो। मैंने स्टैंड अप, हाँ हाँ, कौन है आपके साथ? हो यस अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। तूने जिस प्रचार को सुना आज, प्रचार करने वाला बेईमान नहीं है, याद रखना। ना वो स्वर्ग से आशीष देने वाला बेईमान है। लाइव में बोल रहा हूं, सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कोई बेईमान नहीं है। बेईमान परमेश्वर नहीं है, वो आशीष देने वाला ईमानदार परमेश्वर है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं कह रहा हूँ, आत्मा मुझे कह रहा है, डॉक्टर कुछ भी कह रहा हो, आपकी रिपोर्ट कुछ भी करी हो, कितने साल से बच्चा नहीं है? 7 साल से। 8वां साल नहीं चढ़ेगा। जो तेरे लिए शराब को लेकर आए, परमेश्वर जल्दी तेरे गर्भ में आशीष देने के लिए जा रहा है। दरवाजा खोलते हुए देख रहा हूँ मैं बड़ी देर से तुझे देख रहा हूँ बहन, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तेरे दरवाजा खोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का डोर खुलते हुए देख रहा हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के लिए खुलते हुए देख रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च। ये दरवाजा ऐसे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। और ऐसे किसी सुखविंदर, सुखजीत, ऐसे सुखा, सुखी, ऐसे बोलते हैं किसी को, उसका नाम लेकर हाँ, ऐसे नाम लेकर आपको उसके लिए दुआ करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके हस्बैंड, मैं कह रहा हूँ कि जो भी हस्बैंड है, हस्बैंड है, हस्बैंड है, जो भी कोई कमी घटी है आज दूर करने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष आने के लिए जा रही है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आशीष दे रहा है। मैं फिर एक पम्मी को देख रहा हूँ, पम्मी को, पम्मी पम्मी परमजीत, परमेश्वर आशीष को खोल रहा है आपके लिए, गेट खोल रहा है। सारे बोलो हालेलुया, बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। स्टैंड अप लड़की, आपको देख रहा हूँ, पुलिस वाली, स्टैंड अप। 2 महीने के बाद तेरे घर पे एक गवर्नमेंट जॉब का रिश्ता आएगा, और ले लेना मिठाई का डब्बा लेकर आना यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आत्मा आपसे बातें कर रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आपका नाम, आपका काम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो, आशीष पाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बैठ जाओ, सिट डाउन। सारी आशीष तू ही लेके जाएगी क्या? वो स्टैंड अप पीछे टी शर्ट वाला, हाँ स्टैंड अप, हाँ यस स्टैंड अप, थोड़ा आगे आ जा, बस वहीं खड़ा हो जा, आशीष को बोल रहा हूँ, और आगे आ जा, आगे आओ, हाँ बस 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 बस। सुनो, अगर तू यहाँ आता, एक शैतान तेरे को मारने वाला था। तेरे यहाँ पेट में बार 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 कैसे लग रहा है? कुछ लग रहा है, लग रहा है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बात बता, कहाँ से आया तू? बिहार से है। मैं देख रहा हूँ, ऐसे नाम देख रहा हूँ मैं किसी का, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। मेरा बेटा का भी है और मेरा भाई भी, चाचा का लड़का भी आया है,
उसका तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? हाँ नाम है मनीष, नाम है, दो बेटा है। नहीं एस से किसका नाम है? सीमा, सीमा, सीमा मेरा बड़का चचा का लड़का है। आओ कम हियर, कम हियर, कम हियर। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आज चमत्कार करेगा आपके साथ। कह रहा है कि एक शैतानी ताकत ने तुम्हारे सबके कामों को बांध रखा है, तुम जो काम करते हो उजड़ जाते हो, लेकिन अब से तीसरे महीने के बाद इतना काम चलेगा, तुम एक मकान बनाओगे, परमेश्वर आशीष देगा, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तुम बनाओगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि एक स्नेक आपके दिमाग में ऐसे बार बार माइंड में घूमता है, और जब भी वो किसी को दिखाई देता है आप बर्बाद हो जाते हो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है किसी को गुप्त रोग है, गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम आपकी फैमिली में, किसी को गुप्त प्रॉब्लम है, हैं? मेरे को है। जोर से बोल, मेरे को है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं तेरी स्कैनिंग कर रहा हूँ, और प्रभु का आत्मा वगैरह जा तू अपनी रिपोर्ट चेक करा, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सुन ले अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। और जब तू आया चर्च के अंदर 1000 दुष्ट आत्माएं बाहर खड़ी हो गई हैं, वो कह रही हैं कि मैं इसको लेके जाऊंगी, लेकिन आज मैं तेरे साथ एंजल भेज रहा हूं, और जो तेरे साथ रहती हैं जा रही हैं वो आउट 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 खड़ा खड़ा रहे, खड़ा खड़ा कर, इसी समय जूम कर आउट निकल बैठा इसको, हाथ पकड़ ले, खड़ा कर दे इसको, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इसे देख आंखों में से निकल जा इसकी, माइक कर आगे, कौन है तू, मारने हैं इसको, मारने हैं। 4 साल से, कितने साल से? 4 साल से, 4 साल से। कैसे घुसा इसके अंदर? कैसे घुसा? उसको दारू पिला के खिलाएगा, दारू पिला के मुंह के गेट से घुसा के नहीं, घुसा के नहीं मुंह के गेट से। क्या करने आया था? इसकी पूरी फैमिली को मारने आया है, बर्बाद करने आया है। मजे आता है तेरे को लोगों को मारने, मजा आ रहा है? अब इधर देख, इधर देख, हाथ पकड़ इसका, अब इधर देख मेरे हाथ में, देख मेरे हाथ में, देख कौन दिख रहा तुझे, कौन दिखाई दे रहा है इधर मेरे हाथ के बाजू में, कौन दिखाई दे रहा है, बोल। देख जल्दी देख, और इसी समय इस हाथ में से वो अनॉइंटिंग उतर रही है, वो ऑयल आ रहा है, आ रहा है, और इसी समय वो दुष्ट आत्माएं इसको छोड़ रही हो और आजाद हो रही है। चल चीख और चिल्ला और निकल जा, चीख और चिल्ला और निकल जा, चल। जून से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावंद तेरे जून से बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर यीशु आया हुआ है, आपके दर्द को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया हुआ है। अभी इसी समय अपनी गेटों से यीशु के दर्शन करो, आंख बंद करो, दर्शन करो यीशु मसीह के, अपने मुंह को खोलो, जो आप मांग रहे हो मांगो, पवित्र आत्मा आज रात आपको देना चाहता है कुछ। आंखों के दर्शन करो, आंख खोल रहे हो दर्शन हो रहे हैं आपको, आंख खोल रहे हो दर्शन हो रहे हैं, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, दर्शन करो, मांगो, अरे मांगो जो आप मांग रहे हैं मांगो, और आंख बंद कर ले 2 मिनट के लिए। सब जन प्रार्थना चाहेंगे ऊंची आवाज से, नल मांगो जो परमेश्वर से मांगना चाहती है ऊंची आवाज के साथ।
हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी जो दर्शन किए, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आमीन। हाँ हाँ, अभी इसी समय मैं देख रहा हूँ कि इस बयान को और पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष दे रहे है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ किसी को स्टैंड अप, पीला सूट, लाल चुन्नी, गुलाबी चुन्नी। आप पहले चुन्नी को योर लेने लगे थे? नहीं पजा है नहीं। नहीं 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 नहीं, आपका मन कर रहा था कि मैं दूसरा सूट पालूं, लेकिन फिर आपने ये पा लिया। सारे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? बस बस बस, तेरे वास्ते मैंने कलर खड़े करने पड़े पूत, ठहर जा, क्योंकि अमिताभ बच्चन किसी को मारने से पहले कलर खड़े करता था। सारे बोलो हालेलुया। ला भाई आज मैं तेनू छड़ांगा नहीं, मेरे के झूठ बोल रहे हैं। अगर आज देखो आपके कपड़ों में भी एक राज होता है कि नहीं? उसने देख लिया, कह रहे इसको कैसे पता लग गया। आंखें खोलो बहन, ध्यान ना देखो, अब सुनो मेरी बात। ऐसे आप बहुत दुखी हो मेरी बहन, बहुत कर्जा हो गया तुम्हारे सिर पे, बहुत कर्जे से परेशान हो गई है। कौन आया तुम्हारे साथ? सारी फैमिली आई है। सारी फैमिली, स्टैंड अप फैमिली मतलब इनकी फैमिली कहीं पर भी है, खड़े हो जाओ। हाँ आप खड़े रहो, सुनो मैं उनको देख रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज देने लगेगा आज से। गुड न्यूज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज देने लगेगा। मैं एक डोर आपके लिए खुलता हुआ देख रहा हूँ। आपके ऊपर बड़ा कर्जा है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि किसी के आंख और एक कान पर हमला का अटैक कर रहा है शैतान। एक औरत को कान से कम सुनाई देता है, कम सुनता है कई बार, एक आंख कान से कम सुनता है और एक आंख से कम दिखाई देता है किसी आदमी को, किसी लड़के को। बेटा है, उसकी आंखें खुल रही हैं आज से मसीह नासरी के नाम में। सुनो मेरी बात पर विश्वास हो रहा है आपको? हाँ जी। ऐसे आपके घर में जब बच्चे नहीं हुए थे, आपका पति जब आपको ब्याह के लाया था तो वो बोलता था ऐसे, पता नहीं कौन बोलता है आपको घर में ऐसे, बोलता है ऐसे कोई, किसी को कोई बोलता है, ए मेरी लखो। हाँ जी। कौन है आदमी? आपका आपका आदमी कौन है? कुलविंदर सिंह। कर वाला? नहीं नहीं, लखो किसका नाम है? लखी। मेरा नाम पापा। की नाम है? लखविंदर। जे किदली बाजा बंद हो गया तू जा खुल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं क्या कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है आप प्यार से जो बोलते हो वो बोलता है, वो भी नाम सुनता है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे घर के सारे सिस्टम को चेंज कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम एस से देख रहा हूँ, एस से देख रहा हूँ आपकी, आप जानते हो उसको, एस से। और मैं देखता हूँ आत्मा में, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन वो जादू टोने से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था, परमेश्वर का आत्मा अभी तुम्हें आजाद कर रहा है उस जादू टोने से। और आपके घर पे खून के छींटे देखता हूँ और आपके बड़े सारे नोट रखे हुए गायब हो जाते हैं, आपके सामान रखे हुए गायब हो जाते हैं, आपके घर में बड़ी तू तू मैं हो रही है आपस के अंदर, बड़ा झगड़ा हो रहा है, आप आपस में कह रहे हो कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज के बाद तेरे घर की सारी परिस्थितियां बदल रहा हूँ मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और वो दुष्ट आत्माएं देख रहा हूँ, एक डड्डू देख रहा हूँ मैं, और एक राख देख रहा हूँ, एक शराब की बोतल देख रहा हूँ, और वहां पर एक ऐसा चिमटा लेकर एक आदमी बैठता था जिस पर तुम्हारी फैमिलियों के लोग पुराने उसके पास गए थे और उसने तुम्हें बांध दिया। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से आजाद होंगे तुम यीशु मसीह के नाम में, आज से आजाद होंगे। मेरे हाथ की तरफ देख और जिस समय निकल जाए इसमें से, मुखर और चिल्लार निकल जा, चल चल चल, आउट आउट आउट, निकल रहा है, जा रहा है, आउट, ये निकल गया यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय इसके शरीर को छोड़ और निकल जा, कर्जे को छोड़, इसके बच्चों परिवार को छोड़, उसके दिमाग में से निकल यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूँ। बोलो आमीन।
तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, बोलो हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के अंजलियां काम कर रहे हैं, और अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा। अभी इसी समय ऑयल उतरेगा। अपने सिर पर हाथ रख लो और विश्वास करो, मैं जिधर जिधर उंगली करूंगा उधर उधर ऑयल उतरेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। अबलाबा ऑयल उतरे परमेश्वर तेरा। प्रभु जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिलने पाई यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं ऑयल को उनके ऊपर डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास चंगाई नहीं है वो चंगाई आने पाए। आज इनके घुटनों में चंगाई आने पाए, इनकी कमर में हीलिंग होने पाए, इनके कान फिर से सुनने पाए, इनके चश्मे उतरने पाए, इनकी आंखें चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका सर्वाइकल गायब होने पाए, पथरियां रसौलियां गायब होने पाए। आज बड़ी हीलिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके कर्जे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज किसी भी प्रकार का जाल है दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं कह रहा हूँ कि वो जाल टूट रहे, और इसी समय वो जाल टूट रहे जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं। देखो कोई उठेगा नहीं और अपने स्थान से हिलेगा नहीं। बुद्धिमान अपने स्थान पर बैठे रहेंगे आज, मूर्ख अपने स्थान से उठ जाएगा अपने आप। लेकिन सुनो कितने लोग विश्वास करते हैं। देखो मैं किसी बहन के पर्स में 5,00,000 रुपए डाल रहा हूं। स्टैंड अप, पर्स उठाओ, लिया मेरे पास लिया बेटे। कितने चाहिए तेरे को? मैं देख रहा था कोई दुकान खोलना चाहता था। बापा मेरा घर वाला खोलना चाहता। हालेलुया। आपने तो नहीं बताया मेरे को, लेकिन पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। बैग ऊपर उठा। तू विश्वास कर रही है? आज भी शक्ता के सामने खड़ी है। विश्वास करती है? ऑनलाइन चर्च विश्वास करते हो? सच्ची बता, तूने बताया मेरे को? नहीं पापा। देख ले कहीं हम पार्क में मिले हो? नहीं पापा। मैकडी में? नहीं पापा। पर्स दे दे मेरे को। परमेश्वर जितने इसके पर्स में माल है सारा मेरे पास आ जाए। विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। और देखती रहे, इसमें एक जबरदस्त अनॉइंटिंग आ गई है और ये तेरे ऊपर आ रही है, और तू ठहर नहीं पा रही। अब 5,00,000 उठा नहीं सकती क्योंकि 5,00,000 नहीं आ रहा है, 10,00,000 आ रहा है। आमीन, आमीन। कैच करेगी? दस लाख आ गए। सरदार कितना देख रहे? अभिषेक आ रहा है। देखा अभिषेक आ रहा है कि नहीं? आ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अच्छे आपके पर्स में भी बरकत आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अपने पर्स निकाल लो, आपके काम खुलने वाले हैं। और जो तेरे घर की बरकत खारी थी आज से वो जाएगी। आउट, निकल, मेरी आंख की तरफ देख और निकल इसकी आंखों में से निकल। सुन रहे हो मेरी बात? मैंने इसको ये नहीं कहा भाग जा, मैंने इसको कहा सिर्फ मेरी आंख में देख और ये गिरेगी नहीं। जितनी बार मेरी आंख में देखेगी ये ठहर नहीं पाएगी। फिर आगे और देख मेरी आंख में, देख नहीं है, नहीं कौन है मेरी आंख में, कौन है?
श्री देवी या धर्मेंद्र, देख मेरी आंख में यीशु है, यीशु यीशु है, दिख रहा है? कौन है? कौन है? जोर से बोल। शेरे बबल यीशु, शेरे बबल, शेरे बबल यीशु, शेरे बबल। फ्री द नेम ऑफ जीसस, चल निकल जा, इसके घर को छोड़ और सूरत को छोड़ और निकल, आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चलो दा 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 पा पा पा। रखे जेड़ा दिल जी खुदा नु, रखे जेड़ा दिल जी खुदा नु, सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, मेरी आंखों की तरफ देख रहे हो, मेरे हाथों की तरफ देख रहे हो, विश्वास करो परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने के लिए जा रहा है। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकतों को खोल रहा है। और अभी देखो मैं आवाज लगाऊंगा और कोई नहीं हिलेगा, मैंने फिर कहा बुद्धिमान हिलेंगे नहीं। और अभी देखो मैं बोलूंगा और वो दुष्ट आत्माएं आपके सिर से नाचती हुई टापती हुई आएंगी। और घबराना नहीं, घबराना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज आजाद होंगे वो लोग। मेरी उंगली की तरफ देखो, चलो उखड़ जाओ, चलो इसी समय अपने आप उखड़ती हुई चिल्लाती हुई चल निकलो, पार 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 पार, नाच कूदती हुई उछलते हुए निकलो, निकलो उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, फायर फायर, निकलो 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 निकलो। ए सुसाइड कराने वाली आत्मा, ए जादू टोने वाली आत्मा, पार आ जाओ, 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 बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चल चल चल, हट जा, हट जा, आने जा, निकलाओ निकलाओ बाहर, निकलाओ निकलाओ गंदी आत्माओं, चलो खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, हर जादू टोने की बैठ बाहर 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 बाहर। लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। नीचे बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आज हीलिंग का दिन है, हीलिंग का। निकलो ए गंदी आत्मा, बाहर आ जाओ, रसोलियां बाहर, शुगर बाहर, शुगर बाहर, शुगर बाहर, शुगर बाहर, सुसाइड कराने वाली आत्माओं, जाओ जाओ जाओ, फायर फायर फायर, निकलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। ओ साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने, ओ साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकत महान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकत महान यीशु ने, ओ साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने। तू तो बन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, तू तो बन तेरे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बाकी लोग पीछे हो जाओ, वॉलंटियर साइड में हो जाओ, पीछे हो जाओ, कौन सर उतरो, उतरो जाओ,
अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। और आप एक आश्चर्य कर्म को देख रहे हो, अभी आजाद हो रहे हो आप भी इसी समय। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा चर्च। अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। और जो अपने हाथों को हिला रहे हैं मेरे साथ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। मैं कह रहा हूं हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है चर्च। तो तेरे सुनने से बड़े बड़े काम होते हैं। गेट बंद कर। तो तेरे सुनने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता है अपनी शिफा। अबला बादशाह, अबला बादशाह, अबला बादशाह। इसी समय खाया पिलाया बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जादू टोने की स्पिरिट जल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जल जाए। खाया पिलाया बाहर जाए, खाया पिलाया बाहर जाए। नीचे चल, नीचे चल। बाहर 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 बाहर। इसी समय, इसी समय आग लग रही है, आग लग रही है। बहुत सारे लोगों के अंदर से जादू टोना जल रहा है, जल रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखो, चल रहे हो, चल रहा है वो जादू टोना, चल रहा है, चल रहा, चल रहा, चल रहा है। चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए। हर एक शमशान घाट की राख चले। जो व्हील चेयर पर है खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आमीन बोलो और चिल्लाओ अपनी चंगाई के लिए आज। हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो। मैं कह रहा हूं जो बह रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं आज। अपने हाथों को उठाओ और वो शराब आपके कानों से जा रहा है। मैं देख रहा हूं किसी को जो बह रहा है वो सुनने लगा है। मैं देख रहा हूं किसी को कोई गूंगा है वो बोलने और सुनने लगा है। वॉलंटियर चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। सब अपने रुमाल निकालो, रुमाल निकालो, रुमाल निकालो, रुमाल निकालो। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ। आप इस कैमरे पर देखो, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर। इसमें वचन लिखा, वचन पौलुस पत्रस कह रहा, जब कपड़ा डाल देते थे किसी के ऊपर उसमें से दुष्ट आत्मा ही निकल जाती थी। सारे बोलो हालेलुया। उनके कपड़े में भी अनॉइंटिंग थी, आपके कपड़े में अनॉइंटिंग आ रही है। घुमाओ मेरे साथ। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा राचा रबा सनायो बरे रे 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 रे। घुमाओ घुमाओ घुमाओ। इसी समय पत्रियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां बाहर यीशु मसीह के नाम में। जो चलते नहीं वो चले, जो खड़े नहीं होते खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे चल नहीं पाते खड़े हो जाए, व्हील चेयर छूट जाए, शराब जाए, डंडे छूट जाए, बीमारियां जाए, बहरा बन जाए, गूंगे आजाद हो जाए, रसोलियां गिल्टियां जाए पाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी की कमर के ऊपर से बंधन टूट गए। जो लोग मेरे साथ तीन बार उछल रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी का सर्वाइकल जा रहा। एक दो तीन, यू आर ही One, two, three, start! पवित्र आत्मा छू ले। इसी समय परमेश्वर का आत्मा छूए। अपने हाथों को उठाओ, सीधा करो अपने हाथ, आंख बंद करो और इसी समय हिलाते रहो, हिलाते रहो। शाबाश, मैं देख रहा हूँ किसी का अभी इसी समय, मैं देख रहा हूँ किस, कोई अपने कानों को चेक करे। कोई बहरा था सुनने लगा, जोर से ताड़ी बजाएंगे। मैं देख रहा हूँ कोई रसोलियां थी, गिल्टियां थी, उसकी गिल्टियां उड़ गई यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। किसी की कमर में दर्द था, मैं देख रहा हूँ कोई अभी कमर का पेशेंट चंगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ अभी किसी ने डंडा पकड़ा है, छूट गया आज वो डंडा। मैं देख
देख रहा हूँ किसी का अच्छाई भी है, जा रिपोर्ट चेक करा, यू आर हील। किसी की पथरी है वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सरिता तेरा घर बनाने जा रहा हूं मैं, आत्मा चाहता है। सुमन बच्चा चलेगी, तू रेखा बेटा होगा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कह रहा के नाम वाले, एल नाम वाले, एस नाम वाले, एन नाम वाले, कह रहा अपनी रिपोर्ट को नॉर्मल देखेंगे इस हफ्ते में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसी का बच्चा एड़ियां लगाकर चलता है, वो बिना एड़ियों के चल रहा है, चेक करो। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। यू आर ही, यू आर ही, यू आर ही, यू आर ही। अपने हाथों को उठाओ और सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जब मैं बोलता हूं और उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी में चमत्कार हो जाता है। 5 मिनट, 5-5 मिनट के अंदर आपके अंदर हीलिंग हो रही है। अगर आप देख रहे रसोली नहीं गई, दोबारा 5 मिनट बाद देखना। आप कह रहे सर्वाइव कर नहीं गया, फिर देखो, चश्मे उतार कर देखो, आप दूर का साफ देख रहे हैं, अपनी आंखों पर हाथ रखो। यू आर ही, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। आपकी पथरियां, आपके ऑपरेशन कैंसल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं चलते वो चल रहे हैं, पीछे जो नहीं चलते वो चल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है अपने हाथों को उठाओ, जो चंगाई चाहता है सामने आओ, खड़े हो जाओ, मोबाइल पर्स में रखो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश, आज आपकी चंगाई का दिन है। अगर आज आप मुझे देखे बिना चले गए, मेरी बात को सुना भी नहीं चले गए, हो सकता है आप निराश हो जाएं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कितने लोग चाहते हैं चमत्कार हो, हाथों को उठाओ। शाबाश, बोलो मेरे पीछे, बोलो मेरे पीछे, बोलो बोलो चुप, मेरे पीछे बोलो, यीशु तू परमेश्वर है, मैं आज अपनी आंखों पर हाथ रखो। बोलो मैं अपनी आंखों पर हाथ रखती हूं, कोई लालच नहीं करूंगी, मैं किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे अंदर से उस दुष्ट को आज बाहर निकाल दे, आज बाहर निकाल दे, आज वो चाहे मैं आजाद हो जाऊंगी आज। बोलो बोलो मैं आजाद हो जाऊंगा आज यीशु के नाम में। बोलो आमीन, बोलो मैं विश्वास करती हूँ यीशु परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु परमेश्वर है। सुनो मैं 3 गिनूंगा और आज रिसीव करो, अपने हाथों को उठाओ और मेरे हाथ की तरफ देखो। मैं गिनूंगा, आपने यीशु बोलना है। 1, जोर से बोलो इकट्ठे, 1, 2, 3। देखो मेरे हाथ की तरफ आ गया यीशु। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इसी समय पवित्र आत्मा इनके गर्भ को, इनके सिर को, इनके पेट में से, कालजे में से, टांगों में से निकले दुष्ट आत्माएं। पा 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 फायर यीशु मसीह के नाम से, दूर दूर स्थानों में जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि लोग आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग उछल कर स्माइल लेकर कह रहे हैं हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, अगले संडे गवाही आ रही है, उछलो उछलो, ऐसे ऐसे। शूलिया शूलिया शूलिया, हाँ मुझे शूलिया शूलिया शूलिया, यीशु के नाम ने शूलिया, यीशु के साथ ने शूलिया, शूलिया शूलिया शूलिया, हाँ मुझे शूलिया। देखो अभी आप रोते हुए आए थे कि नहीं, कैमरामैन कैमरामैन
और बत्ती ना दिखा, बोला पूतड़ी बच गई और पड़ोसी का बोला पूतड़ी गई है, यीशु अंदर आ गया है। तारीफ करो जोर से, जाओ जाओ उधर बैठो, देखो चेक करो, आ जहां चेक करो, आप चेक करो, जिसकी टांग में दर्द था चेक करो, जिसको रसोलियां थी चेक करो, जिसको सर्वाइकल था, जाओ जाओ साइड में देखो चेक करो, जो लोग ऐसे जा रहे हैं ऐसे हंसते हुए, मैं कह रहा हूं चंगाई आ रही है आज उनके घर, जो लोग प्रार्थना के बाद भी ऐसे जा रहे हैं, हूं पता नहीं की होएगा साडा, हूं ताडा कुछ नहीं होना, विश्वास कर रहे हो कि नहीं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार कर रहा है रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाओ और मेरे साथ उछलो उछलो उछलो, बोलो यीशु मसीह आ गया है, आ गया यीशु बैद रोगियां दा, आ गया यीशु बैद रोगियां दा, बैद रोगियां दा यीशु, बैद रोगियां दा, बैद रोगियां दा यीशु, बैद रोगियां दा यीशु, बैद रोगियां आ गया यीशु बैद रोगियां दा, सुनो 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 सुनो, अभी इसी समय गवाही के साथ, गवाही के साथ अपने हाथों को उठाओ, मैं फिर से कह रहा हूं आज गवाही किसकी आएगी, जो खुश हो रहा है, हालेलुया। चेक करो जो काम आप नहीं करते थे, मैं देख रहा हूं किसी के मशीन लगी है उतर रही है, मैं देख रहा हूं किसी को डॉक्टर ने बोला घूम गए वो बोल रहा है, मैं देख रहा हूं किसी ने टोपी रखी अपने सिर पे और वो बोलता नहीं है, और चेक करो उस लड़के को, चेक करो उसको, वॉलंटियर पास्टर विश्वासी, मैं देखता हूं कैसे किसी ने येलो कलर का सूट डाला है, सर्वाइकल था तेरे को, चेक कर गर्दन घुमा, तू आजाद होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो आप, फ्री हो रहे हो आप यीशु के नाम में, इसी समय यीशु के नाम में बोलो हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, अभी गवाही के साथ, हाँ हाँ जोर से गवाही, गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, हाँ हाँ। पापा जी ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनके मुंह के अंदर मांस बढ़ गया था, लेकिन आज इनके अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया आपने, प्रोफेसी की, ये बहन बता रही है कि वो मांस बढ़ा था वो ठीक हो चुका है। पापा जी नु जय मसीह दी, सारी कलीसिया नु जय मसीह दी। कहां से आए, मैं पापा जी बटाले तो आई, मेरा नाम सुमन आ, ते मेरे मुंह दे अंदर मांस बड़ा वध गया सी एक गल दे थले, ते मैं सवेरे जदो चर्च आई उदो ही मैं अपने हसबैंड नु कहण दी सी कि मेरे मुंह दा मांस बहुत ज्यादा वध चुकिया आ, ते मैं मेडिसिन भी एक दिन लैन गई सी, उन्होंने कहा सी कि मतलब टीके वगैरह देने पैणगे इंजेक्शन वगैरह। उनका मांस बढ़ गया था आपका? हां जी। अभी क्या हुआ जब आप प्रोफेसी को रिसीव कर रहे थे? हां जी, लगा जा रहा था, उसके बाद आपने चेक किया? हां जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मांस नहीं बढ़ा हुआ, अब बिल्कुल खत्म हो गया। हां जी, उनके अंदर का। हां जी, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल बोलो, कमाल होगी ये। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुंह में गांठ पड़ जाती है, कैंसर हो जाता है, कई बार मांस बढ़ गया था लेकिन गुरदासपुर से आई और चंगाई मिली। स्क्रीन की तरफ देखो, मैं कह रहा हूँ जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग हीलिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट, पापा जी ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनकी पूरी बॉडी में पेन रहता थी, जॉइंट पेन होती थी, लेकिन अभी इनके अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया गया, ये बहन बता रही है कि वो जॉइंट पेन ठीक हो चुकी है। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा। माइक छोड़ो, माइक छोड़ो, बस माइक पकड़ लड़की। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? माइक कर, कहाँ से आए? लुधियाना से। पापा जी मुझे पहले सर्वाइकल की मैं ये कह रहा हूँ सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया था पापा जी, और मुझे रात को ही ये प्रॉब्लम होती थी, जॉइंट में पेन होता था, मैं दुपट्टा बांध। अभी बैठ कर देखो, बैठ कर देखो, शाबाश, खड़े होकर देखो, शाबाश, खड़े होकर देखो, अपनी कलाइयों को घुमा कर देखो, अपनी कलाइयों को घुमा कर देखो, कैमरामैन क्या स्क्रीन आगे करना, हाँ घुमा कर देखो, शाबाश, अभी कहीं दर्द हो रहा है? यू आर हील, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 बताएंगे। हाँ हाँ पापा जी, जे बहन बता रही, एक साल से जे बैठ नहीं पा रही थी, ना चल फिर सकती थी, अब ये बोला चेक कीजिए, जे बहन बता रही है मैं बैठ सकती हूँ, और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। हाँ बैठ कर देख, बहन बैठ कर देख, शाबाश शाबाश। कमर में कितने साल से प्रॉब्लम था?
एक साल से। कहाँ से आए आप? यूपी जौनपुर से। यूपी जौनपुर से आए। एक साल से स्पाइन प्रॉब्लम था, नहीं बैठ सकते थे। घुमाओ ऐसे, घुमाओ ऐसे, घुमाओ ऐसे ऐसे करो, शाबाश, घुमाओ घुमाओ। देखो अभी अभी पवित्र आत्मा ने छू लिया। तारीफ करो जोर से, जाए 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 जाए, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ किसी की गिनती है, उड़ गई है धुआं बनकर। तारीफ करो जोर से। शूलिया शूलिया शूलिया, मुझे शूलिया शूलिया। बहुत बड़ी गवाही है, जय बहन पुजारी है। 3 महीने पहले इनको पैरालिसिस अटैक हुआ था, जो एक सर से अधरंग हो चुका था, जो मूवमेंट कोई काम नहीं करता था इनके बॉडी। अभी बोला चेक कीजिए, जय बहन पुजारी है। इस बहन ने चेक किया, जिनका हाथ है जो पैर एक साइड का पासा, वो काम करने लगा। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, तारीफ करेंगे जोर से। हो तेरी, बोलो यीशु मसीह की जय। देखो आपके सामने है, कहां से आई बहन, कहां से आई? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ। ਮੋਗੇ ਸੇ ਆਏ ਆਪ? ਆਪਕਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕੇ ਅਟੈਕ ਮੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਥਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੱਕ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਥੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਕਰ ਆਤੇ ਥੇ, ਚਲਾ ਕਰ ਉਠਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਭੀ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਅਭੀ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਤੀ। ਛੂ ਲਿਆ, ਅਭੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੋਰ ਸੇ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੀਲ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੀਲ। ਜੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਜੋਰ ਸੇ, ਜੋਰ ਸੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਯੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਚਰਚ? ਯੇਸ਼ੂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਬਹਿਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ, हाथ उठा, शाबाश, घुमा अपने हाथ को, घुमा, जो साथ नहीं घूमता था, घुमा घुमा जोर से, घुमा, अपनी टांग मार, ऐसे मार जैसे पति को मारते हैं, मार मार। शाबाश शाबाश, तारीफ करो जोर से, जाए 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 जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रभु जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। ये बहन तारी, इनके 10 महीने का ये बेबी है, पीटीए तक इन्होंने इलाज करा चुके हैं, पंजाब के हॉस्पिटल में जा पाए या नहीं गए हैं। जूम कर कैमरा मैन, ये बोल रहे हैं इनके बेबी को हर 5 मिनट के बाद फिट्स भरते हैं, पर आज पहली बार तारपुर चर्च में आए हैं। जब थे तारपुर चर्च में आए हैं, ये तारे कोई मेडिसिन नहीं सुबह के होने दी है, पर अब तक लेके अब तक इस बच्ची को कोई फिट्स नहीं भरा है, बल्कि पीने की रिपोर्ट है। इनको हर 5 मिनट बाद इस बच्ची को फिट्स भरते हैं, और आज ये बिल्कुल चंगी स्थिति के समर्थी। नाम से हालेलुया, कमाल होगी ये, कमाल होगी। सुनो, छोटी बात नहीं है, ये आपके सामने है, देख रहे हैं आप। सुनो ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर 5 मिनट में ये प्रॉब्लम हो जाती थी इसको, और अब आप कितने घंटों से खड़े हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये आज हीलिंग का पहला दिन है, पहली स्टेज है ये। आज से हीलिंग और होती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कहाँ से आए आप? दौरे पड़ते थे, लेकिन जब से यहाँ पर आया अब दौरा नहीं पड़ा। नहीं पास्टर जी, और ये बच्ची कभी रोती नहीं थी, पहली बार रोई भी है। इसका मतलब ये है, अब से इसका वेट भी बढ़ेगा और परमेश्वर इसको जीवन दे रहा है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, जो मेरे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने हाथों को उठाओ। जिनके बच्चों को फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, कोई काला पीली है, शुगर है, कोई सोनी है, गिल्टी है, जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बाहर जाए। आमीन बोलने वाले, चीखने चिल्लाने वाले आजाद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपके आमीन का शोर मेरे कानों में आएगा तो आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। आपके हालेलुया का शोर मेरे कानों में आएगा तो आपकी चंगाई का शोर, आपकी गवाहियों का शोर आपके कानों में इस हफ्ते में सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। पापा जी, ये भाई बता रहे हैं कि इनके गले में 1 साल से गिल्टी थी, अभी आपने प्रोफेसी करी कि जिनको गिल्टियां धुआं बनके उड़ने के लिए जा रही हैं, इन्होंने रिसीव किया, इनकी गिल्टी धुआं बनके उड़ चुकी है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी, बल्ले बल्ले रखे अच्छे तौर नु तू पैरा थल्ले, ओए ओए ओए, बल्ले बल्ले यीशु तेरी, बल्ले बल्ले। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी को पूछो, ओए अद्दा किदा हो रहा है? बोलो इथे आदा ही हो जाता ही। ओए गिल्टी उड़ गई, गिल्टी। मैं कह रहा हूँ, गिल्टियां रसोलियां कई बार कैंसर का जन्म लेती हैं चर्च, लेकिन आपके सामने है। कहाँ से आए भाई? मैं लुधियाने से आया हूँ, ये मेरे को 8-9 महीने से परेशानी में। एक मिनट, आपकी आवाज तो गब्बर सिंह की तरह लग रही है।
हाँ बहुत अच्छी आवाज है। हाँ बोलो बोलो। सर जी मैं लुधियाने से आया हूँ, कम से कम 8 महीने से मैं परेशानी में था, ऊपर से कोरोना का रुका चला हुआ था, एक सांस में दिक्कत लेने में पड़ रही थी, मैं सोचा गया अब गया, पर मैंने 2-3 बारी मैंने यूट्यूब पे आपकी गिल्टी थी आपको, सांस लेने में दिक्कत भी थी सर जी, अब मैं ठीक हूँ। और अभी वो गिल्टी उठ गई और वो सांस लेने में दिक्कत भी गायब हो गई है? बिल्कुल गायब हो गई सर जी, मैंने केले खाए अभी। केले खाए? हाँ जी सर। कहाँ है केले? खा के आया हूँ सर जी। अच्छा, अपने घर से लाया था? नहीं, यहाँ आराम आया सर जी, मैंने यहीं से लेके आया बाहर से, और यहीं बैठ के खाए अभी। सारे बोलो हालेलुया। बोल रहा है जिसके गिल्टी हो जाती है वो जल्दी से केले बड़ी चीजें नहीं खा सकता, लिक्विड चीजें खाता है, और वो बता रहा है भाई कह रहा मैं तो ध्यान से आया हूँ और मैंने आज केला खाकर देखा। तारीफ करो चौर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो आप स्क्रीन पर देखो, जो आप आगे खड़े हैं स्क्रीन पर देखो। हाँ हाँ प्रभु जी इसकी बहुत बड़ी गवाही है बहन की, ये बहन तारी भी चार। सुनो सुनो, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो दरवाजा बंद करके आए खोल के आए। कुछ लोग विश्वास का दरवाजा बंद करके आए हैं। ओ भाई साहब कुंडा खोल के रखना, आज बॉयफ्रेंड नहीं आएगा घर में, आज यीशु मसीह आएगा तुम्हारे घर में, यीशु मसीह के नाम में कुंडा खोल के रखो दिमागदा। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, बहन तारी पिछले 4 साल के इसके गले में बहुत बड़ी गिल्टियां थी, ना बोला ना खाया जाता, पर जैसे उन्होंने कहा तो गिल्टियां वो धुआं बन के उड़ रही है, इसने विश्वास किया और ये बहन तारी पिछले 4 साल से गिल्टियां थी वो धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। हालेलुया। हां हां कहां से आई बहन? बठिंडा से आई है जी। कित्थों आई पड़े? बठिंडे तो जी। बठिंडे तो की प्रॉब्लम सी तेनों? फिर हुण इत्थे आके मैं उच्ची उच्ची हालेलुया हालेलुया सही हो गया। ओ करी गले कट्ठा उड़ गई ओए कौन है कौन है? बस ओता ही यीशु बड़े काम करदा, ओता ही बस बोलो यीशु मसीह की। सुनो फौरन की तैयारी कर, आमीन। तेरे घर में से कोई तैयारी करे जल्दी, आमीन। परमेश्वर आशीष को खोलने के लिए जा रहा है भटिंडे वाली, परमेश्वर आशीषों को दे रहा है, बोलो आमीन। ये पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों के वीजे लगाने के जा रहा है पासपोर्ट पर, ईश्वर मसीह। आमीन। हाँ मैं कह रहा हूँ गांठें उड़ती है कि नहीं, गिल्टियां उड़ती है कि नहीं, अभी देख रहे आप पवित्र आत्मा ने काम किया। फिर से कहो अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पापा जी बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ले हैं, ले हैं। पापा जी जे मां बता रही है इनकी जो बेटी है बचपन से राइट कान से टोटली बहरी थी, कुछ भी सुनाई नहीं देता था, अभी बोला आप चेक कीजिए जो बहरे वो सुनने जा रहे हैं। इस बहन ने अपनी बेटी ने रिसीव किया, अब बचपन की बहरी थी वो सुनने पा रही है, और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। कौन है यहाँ, कौन है चर्च? यीशु। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो उसको, बोलो यार कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है चर्च। और सुनो इतने लोगों को नहीं बुलाया ले हैंड के लिए, जिसके पास कार्ड है वो ही आएगा, और एक दो, एक जन बस सुनेंगे ध्यान से। हाँ 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 कहाँ से आए? मलेरकोटला से। मलेरकोटला से ये बचपन से गूंगी बहरी थी? हाँ, कान से, एक कान से नहीं सुनाई देता था। अभी क्या हुआ? सुनने लग गया। अभी सुनने लगा? हाँ जी। कान में उंगली डालो बेटे इसके, कितनी है? दो। दोबारा मजा। तीन। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बहरे सुनते हैं चर्च, जोर से जाए जाए जाए, शाबाश शाबाश। गिल्टियां गांठे रसौलियां पैरालाइज के पेशेंट आप अभी इसी समय इंस्टेंट हील होते देख रहे हैं। आप विश्वास करो जो भी कोई व्हील चेयर पर है आप यहीं से मेरे हाथ की तरफ देखो आजाद होंगे आप। मेरे हाथ की तरफ देखो जिसने डंडा पकड़ा हुआ है, पत्थरी है रसौली है, आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। यू आर ही नेम ऑफ जीसस। पापा जी ये माँ बता रही है कि पिछले 50 साल से इनको लेफ्ट कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, अभी आपने प्रोफेसी करी कि चेक करिए जिनको सुनाई नहीं दे रहा है वो हील होने के लिए जा रहे, इन्होंने चेक किया, ये माँ जो 50 साल से सुनाई नहीं दे रहा था सुनने लगी है। ये मेरी है जितनी मेरी है,
इस नाम बिच जित हुण मेरी ए। जय मसीह दी पापा जी, सारी क्लास ने जय मसीह दी। जय मसीह की। हां हां, ये मेरी मम्मी है, खन्ने से आई है। एक मिनट, हेलो, इधर शोर नहीं बचाना किसी ने, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तुम्हारी, शोर नहीं बचाना। हां जी हां जी, मैं ये मम्मी है मेरी, खन्ने से आई है, तो इनको 50-60 साल से सुनता नहीं था, आज सुनने लगा है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। इतने साल से सुनता नहीं था, 50 साल से सुनता नहीं था, कानों पर उंगली रख। एक ताड़ी बजा, दो तारीफ करो जोर से। जाए जाए जाए, शाबाश। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये। पापा जी, ये बहन बता रही है कि इनको काफी समय से बैक की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ना ये बैठ पाते थे ना झुक पाते थे। अभी आपने प्रोफेसी करी कि जिनको बैक प्रॉब्लम है वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने रिसीव किया, ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। क्या हुआ, चेक करते रहो, चेक करते रहो। प्रॉब्लम जी, जय एमसी की। प्रोवर जी, मेरी ना बैक पेन सी काफी दिन तो, ऐसे मेनु आन नाल और माल होला नाल नहीं लंग मिल चुकी है। हालेलुया। हां जी हां जी, तारीफ करो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। हां जी हां जी हां जी, शाबाश, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हां प्रॉफिट जी, बहुत बहुत बड़ी गवाही है। जय बहन बता रहे 15 साल से सॉरी थी, अभी बोला चेक कीजिए, जय बहन जब बाथरूम में गई, अभी अभी सॉरी जो बाहर निकल चुकी है, और सारी महिमा परमेश्वर का देती है। सुनो सुनो, स्क्रीन पर देखो, सब स्क्रीन पर देखो, छोड़ दे कैमरामैन, स्क्रीन पर देखो, शाबाश। ये बहन बता रही है कि अभी इसी समय ये बाथरूम में गई और वहां पर ये इतनी बड़ी रसोली निकली। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। क्या कह रहा हूँ चर्च, यीशु सुनता है कि नहीं? यीशु सुनता है। पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा, जितनी देर खड़े रहोगे उतनी देर हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। कहाँ से आई बहन, कहाँ से आए? हम फिरोजपुर से आए हैं। हाँ हाँ, कब से थी ये रसोली? एक साल से। अभी क्या हुआ? अभी बस एंट्री की थी, तो जब बाथरूम आया तो गुप्त थान तेगी सी, तो बाहर निकल गई। बाहर निकल गया। बोलो फाजिल के वाले, ऊपर देखो, बोलो। कैंसर दी सी, कैंसर दी गांठ, कैंसर दी गांठ सी की। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो इधर, ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। चर्च मेरे पास आ, कम यार दौड़ करा, उधर मुंह करो। मेरे पास, मेरे पास बस देख, मेरी बहन, तेरे को आज के बाद ये रसोली नहीं होगी। अब आमीन, प्रभु ने तुझे सुरक्षा दिया, हीलिंग दिया। देखो कैंसर जैसी रसोली हो जाती है, डब्बी पर दिखा लाली कि ये रसोली, इसको वॉशरूम के थ्रू अभी इसी समय 5 मिनट के अंदर ये बाहर आ गई। कैंसर वाली रसोलियां, जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी गवाहियों को देख रहे हैं, तारीफ करो। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। पापा बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि ये बचपन से ना चल पाते थे, ना बैठ पे थे, टोटली बैठ पे थे, ना बोलते थे। अभी आपने प्रोफेसी करी कि जो चलते फिरते नहीं, वो चलने के लिए जा रहे, इन्होंने रिसीव किया।
जलाल जलाल तेरा है जलाल 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 तारीफ छोटा जिहा सीगा भी दो महीनों का भी यह डिग पिया सी उहदे डिगण नाल सारे शरीर च नुक्स पै गया सी ते इह तुर नहीं सकदा सी ना इह चल सकदा सी ना इह बोलदा सीगा भी हुण इह उदों भी ज़्यादा डिगण लग गया सी हुण मैनूं भी महीना हो गया इहनूं चर्च दे विच चल जांदी नूं परमेश्वर ने इहनूं बहुत वधिया करता अगे नालों बहुत वधिया फर्क पै गया हुण इह सही तुर सकदा भी पर थोड़ी जिही प्रॉब्लम है पर सुन मेरी बात सुन अभी पहले बचपन से बोलता सुनता नहीं था खड़ा नहीं होता था पैर नहीं लगता था नीचे अभी पैर लगा रहा है आज पहली बार पैर लगा रहा है तुर रहा अभी तुर नहीं रहा चल रहा जी चल रहा है बेटे चल 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 शाबाश तारीफ करो मेरे पास है मेरे पास यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा ओए काम करदा काम करदा ओए कोर्स कोर्स गा जाके एक लड़का कोर्स कोर्स गए पागलपन की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे स्टैंड अप चल शाबाश छोड़ दे ताड़ी बजाओ शाबाश ताड़ी बजाओ ताड़ी बजाओ देखो इसका दिमाग काम करने लग गया कुर्सी काम पर है आज से इसका दिमाग काम करेगा मैं माइक कर आगे बोलो अरे बोल पापा बोल पापा पापा तारीफ करो जोर से कौन है ये कौन है चर्च जीवन मिले मिले आशीष तेरी तेरी बरकती है खुदा पापा जी बहुत बड़ी गवाही है जे बहन बता रही है 6 साल से दोनों हाथों की जो मुट्ठी वो बंद नहीं होती थी वो खुलती नहीं थी योग काम नहीं करती थी और चलना फिरने में बहुत प्रॉब्लम थी अब तो कि बेड पर थे और फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और आपने बोला जो चलते फिरते नहीं है वो चलेंगे जिनका हाथ वो काम नहीं करते वो करेंगे और जे बहन बता रही है 6 साल से जो बंद मुट्ठी थी वो खुल चुकी है वो चलने लगी है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं सुनो, सुनो, सुनो ये कब से मुट्ठी बंद थी आपकी कहाँ से आए मुझे 5-6 साल खाट पे ही हो गया था पड़े पड़े बच्चे बिताना देते नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या कहाँ से आया मेरठ से क्या प्रॉब्लम थी मतलब सारी काया जकड़ी रह थी हाथ पैर काम नहीं करते थे कुछ भी काम नहीं अपने हाथों को घुमाओ शाबाश घुमाओ जोर से घुमाओ गोल गोल घुमा गोल गोल घुमा चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में हाँ 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 जाओ 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 और सुनो ध्यान से एक मिनट बोलना क्यों नहीं कोई मेरी बात सुनना जो ले हैंड के लिए ध्यान से सुनो मेरे कान के कान मत खाओ मैं सिर्फ हाथ रखता हूँ काम करने वाला परमेश्वर है विश्वास करो और हाथ रखवाओ और जाओ और उसके बाद आप चेक करो मैं कह रहा हूँ उसके बाद चेक तो करो जाओ चेक तो करो डॉक्टर आपको कहेगा जो काम रिपोर्ट में नहीं था धीरे धीरे होने लगेगा चिंता ना करो आप चमत्कार देखोगे यीशु मसीह के नाम में हाँ हाँ बोलो जीवन मिलया मिलया शिष्य ठहरी पवित्र आत्मा जीवन मिलया शिष्य ठहरी ठहरी बरकती आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकती आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष बंधन टूट गए
मुक गए खुदा पापा जी सुनो सुनो जिसके पास पीला कार्ड है सिर्फ वो आगे आएगा बाकी पीछे हो जाओ जल्दी करो पापा जी जय भाई बता रहे हैं तीन साल से इनके पेट में सुनना सुनना ध्यान से जिसके पास पीला कार्ड है वो आगे आएगा बाकी कोई नहीं आएगा सिर्फ एक जन उसके साथ होगा दो जन होंगे बस सिर्फ दो जन पीला कार्ड पे बड़ी जानता ख्याल रखता हर पल दा मेरे दुख सुख दा संगी मेरे नाल नाल चलता ओ मेरी टाली ओ बन जाता ख्याल रखता हर पल दा मेरी दुख सुख दा संगी मेरे नाल नाल चलता ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा पापा जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है ये पहली बार हरियाणा से आए गवाही दे रहे हैं कि इनको पिछले काफी सालों से आंखों में प्रॉब्लम थी और किडनी में प्रॉब्लम थी अभी आपने प्रोफेसी करी कि जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं इन्होंने रिसीव किया ये भाई बता रहे कि आंखों की प्रॉब्लम से और किडनी की प्रॉब्लम से इनको आजादी मिल चुकी है हालेलुया कहां से आए आप हरियाणा से आए हूं सर क्या प्रॉब्लम थी आपको तीन चार साल से किडनी की प्रॉब्लम और हाँ आंखों में दिक्कत चल रही है और मैं एक खुद डॉक्टर हूँ हाँ जी मैंने आपको टीवी पे और फोन पे देखा यूट्यूब पे हाँ तो उसके दौरान यहाँ मैसेज लिया तो यहाँ पहुँचे आपकी शरण में तो मैं काफी चंगा महसूस कर रहा हूँ तारीफ करो जोर से देखो आपके सामने ये भाई कह रहे हैं मैं खुद डॉक्टर हूँ और किडनियों में जब प्रॉब्लम हुआ तो ये यहाँ पर आया और जैसे ही इसने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और यहाँ पर प्रोफेसी को रिसीव किया अपनी किडनियों में चंगाई को देख रहा है तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में हाँ नेक्स्ट 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 पापा जी ये बहन बता रही है कि पिछले एक साल से इनको सर्वाइकल था अभी आपने प्रोफेसी करी कि जिनको सर्वाइकल है वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं इन्होंने रिसीव किया जो वो एक साल का सर्वाइकल उससे हील हो चुके जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरक दियाई पापा जी बहुत बहुत बड़ी गवाही है जय भाई बता रहे हैं 12 साल से धुंधलापन था इसको दूर का दिखाई नहीं देता था अभी बोला चेक कीजिए जय भाई बता रहे 12 साल से वो साफ साफ देख सकता है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं तारीफ करो जोर से कितने लोग खुश है इसकी गवाहियों में आप देख रहे हैं कि नहीं आंखों से नहीं देख पा रहा था अभी देखने लगा तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में कहां से आए आप फिरोजपुर से जी फिरोजपुर से क्या हो गया था आंखों में धुंधलापन मच्छरी पड़ी सी सर धुंधला दिखने लगा था उसके बाद धुंधला दिखता दिखाई दूर तक नहीं दिखता थी अब दिखने लगा पूरा तारीफ करो नेक्स्ट 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 जोर से तारीफ करो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी
पापा जी जय बहन बतारिया 15 साल से पेट के ऊपर एक रसौली से गिरती थी और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला था। आज ये बहन चर्च में आई, पापा आपने बोला जो गिरते वो धुआं बन कुंडने जा रही है, इस बहन ने प्रोफेसरी का रिसीव किया और 15 साल की जो गिरती रसौली थी वो धुआं बन कुंड चुकी है और सारी महिमा परमेश्वर का देते हैं। हालेलुया। पापा जी ये भाई बता रहे कि 7 साल से इनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, अभी आपने प्रोफेसी करी, जिनको प्रॉब्लम है वो उससे आजाद होने के लिए जा रहे हैं और इनके अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया गया उसी घड़ी ये भाई बता रहे कि ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। गले में 7 साल से टॉन्सिल था। 7 साल से टॉन्सिल था और मेडिसिन यूज करता था तो टॉन्सिल पूरा चंगा नहीं होता था, तो अभी एनेटिक ऑयल से मैंने रिसीव किया और टॉन्सिल पूरा चंगा हो गया। हा, 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 हा। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हां आउट अब प्रॉफिट जी जे मैंने बता रही है 10 साल से दोनों घुटनों में बहुत पेन रहती थी, कोई काम का नहीं कर सकते थे ना बैठ सकते थे, अभी बोला चेक कीजिए। जे मैंने बता रही है 10 साल से जे बहन क्या जो उठ सकती है बैठ सकती है और सारी महिमा परमेश्वर का देती है। हालेलुया। हा, 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 क्या प्रॉब्लम थी? पापा जी जय मसीह जी 10 साल हो गए पापा जी मेरी लत्तां च दर्द हुंदी नूं हुण ते होर नहीं बैठ रहे, प्रॉब्लम था। बैठ के देख, बैठ के देख, शाबाश। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। जाए जाए शाबाश। हां हां यीशु मैंने शिफा पाई। पापा जी ये भाई बता रहे कि ये बच्चा बचपन से अपनी एड़ी नहीं लगाता था, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जो एड़ी नहीं लगाते वो एड़ी लगाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने रिसीव किया, इनका बेबी एड़ी लगाने लग पड़ा है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, परमेश्वर की महिमा करो। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? हाँ बोर से। बोर से बच्चा कब से नहीं लगा रहा था एड़ियाँ? बचपन से नहीं लगा रहा। बचपन से? हाँ जी। अभी एडियां तो लगाने लग गया लेकिन चलता नहीं। अभी नीचे खड़ा करो आप, शाबाश। पहला स्टेप आप चिंता मत करो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अभी देखो कैमरामैन एडियां लगा रहा है बच्चा पहली बार नीचे। तारीफ करो चोर से, यीशु मसीह नासरी के नाम में। छोड़ो हाथ, छोड़ो उसका। हाँ हाँ, पीछे पीछे पकड़े रखो। हाँ ऐसे देखो कैमरा, जूम कर जूम कर। और इसी समय परमेश्वर छुए। तारीफ करो जोर से। जाए जाए जाए, शाबाश शाबाश। आज से और ज्यादा चलने लगेगा, वेट करो। यहोवा सुन रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ, गाए गाए। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, और ये बहन चल फिर भी पा रही है। पत्रस गवाही के टाइम पर इधर आ। जी मुझे 19 साल से मुझे कमर में दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था और जोर पैर में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जल्दी हट जा सामने से, माइक पकड़ और आके चल। हां जल्दी बोल। पापा जी जय भाई बता रहा है 1 साल से बेड पर था और इनके जो हाथ वो काम नहीं करते थे, वो खाना भी नहीं खा सकते थे, आज फर्स्ट टाइम वो चर्च में आए हैं, वो भाई बता रहे हैं वो अपने आप चल सकते हैं, वो खा
देते हैं। हालेलुया। मिले ओ आशीष ठहरी ठहरी बरकती आई आई खुदा। हां जी हां जी हां जी, कहां से आए, कहां से आए आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आपका डैडी है ये? नहीं, ये दूसरे गांव का है, हम साथ में लेकर आए हैं। साथ में लेकर आए हैं। इसके पैरों में चलने फिरने में तकलीफ थी? हाँ तकलीफ थी, और ये खुद के हाथ से खाना नहीं खा पा रहे थे। खुद के हाथ से खाना नहीं खा पा रहा था। चर्च जितने लोग विश्वास से सुने, परमेश्वर काम कर रहा है। हाँ, अभी इसी समय खाना नहीं खा पाता था जी, और अभी क्या हुआ? अभी ये इसके खुद के मुंह में खुद ही हाथ डाल लेता है। खुद हाथ डाल रहा है जी। देखो देखो, ये आदमी चेयर से अपने आप चल फिर नहीं सकता था, अब खड़ा हो रहा है, और इसी समय खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा है। नीचे दिखा अपने बाप को, तारीफ करें जोर से। हाँ हाँ, हालेलुया, शाबाश शाबाश, आओ आओ मेरे पास आओ, शाबाश। महिमा 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 महिमा, यीशु को महिमा मिले। महिमा 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 महिमा, यीशु को महिमा मिले। महिमा 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 महिमा, यीशु को महिमा मिले। मेरी तरफ घूम। हाँ, अब से तू अपने आप खाने लगे, अपने हाथ उठा, मुंह में डाल। खा रहे कि नहीं खा रहे? खुद ना। हाँ हाँ, मैं खुद ना हाथ की रोटी नहीं खवाते ले, एक दूसरा ना हाथ की रोटी खाते ले। मैं मेरा हाथ मेरा मुंह में नहीं जाते ला। अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा, दोनों हाथों को उठा, दोनों हाथों को उठा। अब लबा शबल बाबा लबा शबल बाबा, चल 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 चल, इसके हाथ पैर को छोड़ दे, ऐ गंदी आत्मा चल निकल जा, चल यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, चल छोड़ दे, चल इसी समय आउट 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 आउट, यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे रहा हूं, चल यीशु मसीह नासरी के नाम से। शूलिया शूलिया शूलिया, हम मुझे शूलिया शूलिया शूलिया। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और ताऊ तू ठीक हो गया, अब तू ठीक हो गया, अब चल 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 चल, आज के कटांगे अपनी पूरी करो, पूरी करो, नाच के देख, नाच के देख, नाच के उछल के देख, दौड़ के देख, चल शाबाश, बोला दौड़ के देख, दौड़ के शाबाश, दौड़ के दौड़ के, चल 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 चल, ऐसे नहीं ताऊ, ऐसे नहीं, दौड़ के, हाँ शाबाश शाबाश, ताड़ी बजाएंगे जोर से, प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ हाँ, पापा ये माँ अपनी माँ बेटी की गवाही दे रही है, कह रही काफी समय से इनके चेस्ट में गिल्टी थी, आपने अभी प्रोफेसी करी, जिनके गिल्टी का धुआं बनके उड़ने के लिए जा रही, इन्होंने चेक किया, चेस्ट की जो गिल्टी थी धुआं बनके उड़ चुकी है। हालेलुया। ओरे कोरे, कहाँ से आए बेटे? पापा जी मैं अजंडियाला से आई, अमृतसर से। अमृतसर से आई है बेटे, ये गिल्टी कब से थी आपको? सर पापा बहुत साल से। बहुत साल से थी, अभी चर्च में आई, क्या हुआ, चमत्कार हुआ? यस। अभी गिल्टी उड़ गई? हाँ जी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो छोटी सी बच्ची को गिल्टी थी, और आपको पता है कि बच्चे दर्द बेचारे सहन नहीं कर पाते, लेकिन अभी इसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रभु जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, इनकी बेटी प्यारी मेरी मम्मा को पिछले 9 साल से ये बीमारियों से भरी पड़ी है, इनको इनकी मम्मा को पिछले 9 साल से बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, ये लोग दिल्ली से हैं, और ये बता रही इनको माइग्रेन है, थायराइड है, और इनको डिस्क की प्रॉब्लम भी है, पर ये तारी जब से यहाँ पर आज सुबह से आए हैं ये बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और बहुत चंगे हो चुके हैं आज से। आमीन करो जोर से, शाबाश शाबाश शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। पास्टर मम्मी ना 9 इयर्स से हर मैक्स में हर एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद डॉक्टर ने जब MRI कराया तो स्प्लिट डिस्क का प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, खर्चा आएगा 15 से 16 लाख रुपए। फिर आपका ऑनलाइन हम देखते रहे संडे और थर्सडे, मम्मी रोज देखती थी हर वीक, फिर हमने सोचा कि एक बार जाएंगे, फिर हम दिल्ली से आए आज यहाँ पे, तो मम्मी ने अब दवाइयाँ भी छोड़ दी है, सारी दवाइयाँ फेंक दी है,
और अभी इसी समय हीलिंग को महसूस कर रहे हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम में। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें छुए आगे आ सकते हैं इसके पांच मिनट के बाद। अभी नहीं गवाही सुनेंगे। शाबाश पापा जी, इस बहन की तीन बड़ी गवाहियां हैं। ये बहन बता रही है कि इनको 10 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल था और बैक पेन थी। अभी आपने प्रोफेसी करी कि जिनको प्रॉब्लम है वो आजाद होने के लिए जा रही है। ये बहन बता रही है इन्होंने रिसीव किया माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। जलंधर से सर, नेगेटिविटी 20 साल से। नेगेटिविटी थी, कितने साल सर्वाइकल था? 10 साल से। 10 साल से आपको था? हाँ जी। और अभी क्या हुआ? मतलब शरीर हल्का रह गया। अभी गर्दन दर्द नहीं? गर्दन घुमा के देख बेटा, थोड़ा गर्दन घुमा, थोड़ा सा घुमा घुमा, शाबाश तोड़ दे इसकी गर्दन। नहीं नहीं नहीं, बस बस। कौन है ये चर्च? 10 साल का सर्वाइकल उड़ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देने के लिए जा रहा है। और ऐसे तीन तरीके से प्रेयर करो, कोई बेटा मांगता है सर, दामाद मांग रही है दिल्ली। अच्छा, हस्बैंड मेरे 20 साल तो बीमार नहीं। गुड न्यूज मिल रही, गुड न्यूज। तारीफ करो जोर से, जाओ जाए जाए जाए, परमेश्वर आशीष दे रहा है। साइड टू साइड अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर अगले संडे आपकी बहुत सारी गवाहियां लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बंद करेंगे, लाइव बंद करेंगे।